और अभी हम जा रहे हैं प्रेम मंदिर में। हम लोग पहुंच मतलब पहुंच गए थे, पार्किंग भी लगा दी थी, बट हमने सोचा कि पहले गौरी गोपाल आश्रम जो है ना यहाँ पे घूम लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। यहाँ पे अनिरुद्धाचार्य जी ने बहुत ज़्यादा जो है वृद्ध माओं के लिए जो है ना यहाँ पे आश्रम खुला है, तो वहाँ पे भी हो लेते हैं। तो पहले हम लोग वहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद जाएंगे प्रेम मंदिर देखने के लिए। तो बस आप लोग भी देखना, अभी बस पहुँच ही गए हम लोग। अभी हम पहुंच चुके हैं श्री राधा किशोरी भक्ति सेवा धाम, मतलब इनका भी एक आश्रम है। तो यहाँ पे बहुत शांति है इस टाइम, ये जो है वृंदावन में नहीं थे, ये सत्संग करने के लिए बाहर गए हुए थे, तो इसलिए इनके गेट पे भीड़ इतनी नहीं है। बाकी अनिरुद्धाचार्य जी के जो गेट पे ना इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। और वृंदावन में इतने इतने एरिया में ना, ये जितना भी एरिया है ना, सारा जितने भी सत्संग जो करते हैं सबका है। जैसे कि कृपाल महाराज है, उनका भी वृंदावन में है, और ये सारे जितने भी हैं, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी हैं सारे वृंदावन में आश्रम है इनके, और सब पास ही पास में है। आनंद धाम है ये और गौरी आश्रम। और यहाँ पे जो है ना आश्रम के बाहर सारे छोटे छोटे स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, जैसे कि कान्हा जी के कपड़े, वृंदावन में सबसे मशहूर हैं कान्हा जी के कपड़े, उनके जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि पगड़ी वगैरह, और उनका झूला है, मच्छरदानी है। बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना कुछ है, मतलब ओल्ड टोटली सामान यहाँ पर मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सस्ता मिलता है, यहाँ भी उसी रेट पर मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वृंदावन में चीज़ें फेमस हैं। और मैं वीडियो पीछे से बना रही हूँ, और ये आगे चलते जा रहे हैं। जितने भी आप लोग गेट देखते जाएंगे ना, ये सारे आश्रम हैं सबके, जितने भी जो सत्संग सुनाते सारे आश्रम यहाँ पे दे रखे हैं। और ये है आश्रम श्री गोविंद शरणम, ये गोविंद जी का है, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है मैं क्लिप थोड़ी थोड़ी सी रिकॉर्ड करती रह रही हूँ कि मतलब आप लोग को जो है बाद में। और यहाँ पर देख सकते कितनी सारी भीड़ है, आप लोग देखो गोपाल जो है गौरी गोपाल आश्रम है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और सुबह के टाइम ना यहाँ पे जो भी मतलब खाना चाहे खाना खा सकते हैं, और फ्री है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी यहाँ पे खाना खा सकते हैं। मतलब वृंदावन में जो भी आते हैं रुकते हैं इनके आश्रम में, या फिर इनका सत्संग के लिए जो भी बाहर से आके रुकते हैं ना, वो यहाँ पे खाना खा सकते हैं। आप लोग भी देखना, यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह रखे थे, तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो सारे खाना ना सब यहाँ पे खा सकते हैं। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये 2-3 मंजिल, यहाँ पे सारी जो है ना वृद्ध माताएं रहती हैं, ये 2-3 मंजिल है ना, सारी वृद्ध माताएं रहती हैं। और ये मेन गेट है गौरी गोपाल आश्रम का, ये मेन गेट है। और ये यहाँ पे देखिए स्टॉल लगा रखा है इन लोगों ने, सुबह सुबह सबको खाना नाश्ता जो है कराते हैं, और सुबह स्टार्ट हो जाता है 7-8 बजे से, फिर 1-2 घंटे ही चलता है बस। बाकी सब लोग कोई भी खा सकता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। और सब्ज़ी पूड़ी ये सब चीज़ मिलेगा यहाँ पे। अभी ये स्टॉल ख़त्म कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कुछ लोग अभी भी खा रहे हैं यहाँ पे। तो ये मेन गेट है, और इसके बगल में जो है ना, और जो बाकी ना थोड़ी देर में और स्टार्ट होगा, जो वहाँ पे रुके हुए जो लोग हैं ना, वहाँ पे अंदर जो रुके हैं सत्संग सुनने के लिए जो बाहर से आए हुए हैं, उनको जो है ना नीचे एक हॉल टाइप का है, उसमें खाना खिलाया जाएगा। 12-1 बजे तक खाना चलेगा उसमें, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा क्या करें। और ऊपर जाने के लिए आपको चप्पल यहाँ पर जमा करनी पड़ेंगी, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। अंदर इनके जो एंट्री करेंगे तो चप्पल वगैरह यहाँ पे सब जमा हो जाएंगी, और ये आप साइड में उतार कर, हमने यहाँ पे साइड में चप्पल उतारने, उसके बाद अंदर जाने को मिलेगा। तो ये चप्पल को उतार के हम लोग जाएंगे अंदर, तो बस ये यहाँ पे एंट्री गेट है, और एंट्री बहुत ज़्यादा भीड़ थी सच में। जितने भी आश्रम थे ना, सबसे ज़्यादा भीड़ गौरी गोपाल आश्रम में थी, बहुत ज़्यादा। जा रहे हैं अंदर, तो देखेंगे अंदर चल के। यहाँ पे जो भी आश्रम में आता है ना सत्संग घूमने के लिए, या फिर वृंदावन घूमने के लिए, जो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना वृद्ध माताओं के दर्शन करने जरूर जाते हैं। तो ये एंट्री करते ही हॉल मिलेगा हमें, यहाँ बहुत बड़ा सा हॉल है। और ये यहाँ संध्या को वीडियो कॉलिंग करके दिखा रहे हैं, अभी नहीं आए सारे लोग, जितने भी बैठे हैं ना ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गुरु जी कब आएंगे। और जो भी गुरु मंत्र लेना चाहता है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो गुरु मंत्र के लिए कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं आशीर्वाद लेके या फिर
उनको देखकर ही चले जाएंगे, जैसे कि हम अभी उनको देखने ही आए हैं। और टीवी पे तो हमेशा ही देखा है उनको, बट रियल देखने में जो है एक्साइटेड कुछ ज़्यादा ही थी। तो हमने भी यहाँ पे 2 घंटे वेट करा, 2 घंटे मतलब हम आ गए थे 8 बजे के टाइम में आ गए थे, 10-11 बजे यहाँ पे जो जो है सच्चे मोती वगैरह इनके जो भी प्रोडक्ट है सारे मिलते हैं। और अभी गुरुजी आ चुके हैं और आप लोग देखते हो सिल्वर सीट और गोल्डन प्ले बटन सब कुछ इनका आ चुका है, 2 चैनल हैं, दोनों पे मिल चुका है। और अभी वो बैठ गए, और जितने भी लोग थे ना, जितनी भी भीड़ लगी थी, सारे के सारे लोग ना फ़ोन में एक दूसरे को दिखा रहे थे इनको गुरुजी के लिए। और सब लोग लाइन से जो भी गुरु मंत्र लेंगे उनकी लाइन अलग लगी हुई थी, और जो सिर्फ और सिर्फ उनको चरण छू मतलब चरण स्पर्श करना चाहते हैं उनकी लाइन अलग थी। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो, यहाँ पे सारे जो है ना ये जो है यहाँ पे देख रेख करने वाले हैं, कुछ लोग सेवा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको बताएंगे कि इस लाइन में जाना है, उस लाइन में जाना है, ये सब बता रहे हैं। इनकी पुस्तक वगैरह सब कुछ मतलब यहाँ मिलता है आश्रम में, और बहुत कम रेट में मिलता है, सच में बहुत ज़्यादा। अगर आप बाहर से ख़रीदेंगे ना तो आपको वो मिलेगा, महंगा भी मिल सकता है। यहाँ पर तुलसी की माला है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे कि नग वगैरह हैं और बहुत सी चीज़ें मतलब हैं। और आप लोग यहाँ ज़रूर आना, और आप लोग ज़रूर मिलना इनसे, जो भी मतलब इनके सत्संग सुनते हैं, जो भी, हर कोई नहीं, कुछ लोग नहीं भी सुनते हैं। तो बस अभी यहाँ बहुत सारी भीड़ जमा हो रखी है, तो अभी आप इंजॉय कीजिए और देखिए आप लोग भीड़ भाड़। मैं भी इसी भीड़ में खड़ी हूँ एक साइड में, तो बस आप लोग इंजॉय कीजिए। वृद्ध माता रहती है यहाँ पे, दिखा दो ऐसे, दिखा दो। राधे राधे, राधे राधे। का दो अम्मा राधे राधे।
ये वृद्ध माता है, राधे राधे। आराम से है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बहुत अच्छी व्यवस्था करी है इन्होंने, अच्छा बनाया। लिफ्ट भी है और एसी नहीं लगी, प्लस कूलर ही है सब। तो अभी हम सेकंड फ्लोर पे हैं, अभी देखते हैं थर्ड फ्लोर पे जाएंगे। तीर्थों में वह शांति नहीं मिली जहाँ एक कन्या बैठी। देवी कौन हो? मैं भक्ति हूँ। क्यों बैठी हो? महाराज जी सारे तीर्थों में वही शांति नहीं, वृंदावन में शांति मिली पर मेरे बच्चों की मूर्छा नहीं जा रही है। तब नारद जी ने उनके बच्चों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और सनकादियों के द्वारा जब भागवत की कथा सुनी तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर भी यदि किसी ने किया है तो लिखा है भागवत जी में कि भागवत से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ और कोई साधन नहीं है। इसलिए तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी, राम राम लटते रहो जब तक घट में प्राण, जब तक प्राण है तब तक भगवान का नाम खूब नाम। कछा की महिमा सुनी अपने आप भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हो गया। भगवती भक्ति महारानी प्रकट हो गई भागवत जी से, कहां बैठूं भक्तों के हृदय में। भक्तों का हृदय खाली जाओ, मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ, भक्तों के हृदय में जाओ।